केंद्र सरकार ने बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि 1 फरवरी को पेश किया जाना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। 1 फरवरी को आएगा देश का बजट। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मांगे सुझाव। बजट में मिल सकती है मिडिल क्लास को राहत। देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से जहां एक तरफ तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। बजट को लेकर पहले संशय था कि क्या इस बार भी बजट 1 फरवरी को ही होगा, जैसा पिछले साल हुआ था। चूँकि इस बार 1 फरवरी को शनिवार है, ऐसे में संशय था कि बजट सोमवार यानी 3 फरवरी को खिसक सकता है। लेकिन बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया कि शनिवार होने के बावजूद सरकार 1 फरवरी को ही बजट पेश करेगी, जबकि 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि बजट सत्र के बीच में करीब 1 महीने का अवकाश रखा जाता है। वहीं इस बार सरकार 2020-21 के बजट में मध्यम वर्ग को राहत दे सकती है, जैसे टैक्स स्लैब में बदलाव, टैक्स स्लैब इनकम की सीमा में बदलाव, होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा में बदलाव। लेकिन इन सब के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने कई तरह की चुनौतियां आएंगी, क्योंकि जिस तरह से अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, वित्तीय क्षेत्र के संकट, मसलन बढ़ते डूबे कर्ज और NBFC में नकदी का संकट है, रोजगार सृजन, निजी निवेश, निर्यात में सुधार और कृषि क्षेत्र में संकट है, तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि इस बार बजट में इन सब उपायों पर ध्यान दिया जाए, ताकि महंगाई से जूझ रही जनता को राहत के कुछ छींटे ही मिल पाए। उम्मीद ये भी की जा रही है कि सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।